तो केपीएम मोदी पर दिए गए बयान के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से लेकर हजरतगंज के अटल चौक तक भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो खिलाफ नारेबाजी की और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं बीजेपी नेता ने कहा कि ये टिप्पणी पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान में फैली अराजकता से वैश्विक ध्यान हटाने के लिए इस तरह के बयान दिए गए हैं। हमारे संवाददाता अविनाश ने पूर्व मंत्री मोहसिन रजा से खास बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। निर्यात करने के लिए पाकिस्तान की पहचान आज ओसामा बिन लादन की शरणार्थी के रूप में, हाफिज मोहम्मद सदीक को संरक्षण देने के लिए पाकिस्तान की पहचान की जाती है, और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपने ध्यान असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसा बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और उनसे ये मांग करती है कि तुरंत देश की 135 करोड़ जनता से माफी मांगे और अपना बयान वापस ले। देश के प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लेकर आज भारतीय जनता पार्टी में यह प्रोटेस्ट देखने को मिला है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है मोहसिन रजा जी। सर, किस तरीके से आज ये प्रोटेस्ट जो है इसको? देखिए, मैंने बताया कि पाकिस्तान, जिससे पूरा दुनिया परेशान है, ये पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है। ये जो लोग भी सत्ता में वहां बैठे हैं, ये कल के लड़के जो वहां सत्ता में बैठकर दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी के बारे में अगर इस तरह की बात कहते हैं और देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात कहते हैं, तो उनको मैं चेताना चाहता हूं कि आपको सबक सिखाना भारत को बहुत अच्छी तरह से आता है। आप इसके लिए पूरी विश्व से माफी मांगिए, क्योंकि पूरा विश्व अगर ग्रसित है किसी से तो वो पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान में नर्सरी लगती है आतंकवाद की और हम उसको खत्म करके मानेंगे। जिस तरह से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में और दुनिया में आतंकवाद को खत्म करने की एक मुहिम चल रही है, उसी में हम पाकिस्तान को भी चेताना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि हम आतंकवाद खत्म करते करते पाकिस्तान ही को खत्म कर दें, ये भी बताना चाहते हैं। पाकिस्तान एक बार में कई बार इस तरीके के जो है आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, क्या लगता है उसको इस बार से? नहीं, मैंने कहा ये वही लोग हैं, इनकी शैली वही है, क्योंकि इनके फादर जो थे वो भी आतंकवादियों के साथ में ही बैठकर लंदन में बहुत अच्छे से बातें करते थे, और जब भी पाकिस्तान की कोई भी सरकार बनती है उसको आतंकवादी ही चलाते हैं। तो ये थे हमारे साथ मोहसिन रजा, जो कि उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री रहे। उनका साफ तौर पर कहना था कि पाकिस्तान लगातार इन तरीके के गिरदर भर्तियों द्वारा आपत्तिजनक जो बयान देता है उसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी कड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रही है, और साथ ही उनको चेताने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। लखनऊ से एमके न्यूज़ के लिए अविनाश। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आंदोलन कर रही है। बिलावल भुट्टो जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री है, सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता है, खुद प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के यहां पर मौजूद है, और किस तरीके से आप देख रहे हैं पुतले जलाकर जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आज जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने बयान दिया, आपत्तिजनक टिप्पणी की, क्या कहेंगे? बहुत ही निंदनीय बयान है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में जो बात बोली है उससे पूरे देश में एक रोष है, और अगर जो है इन्होंने साधुनी माफी ना मांगी हमारे प्रधानमंत्री जी से, तो पाकिस्तान की ऐसी तैसी करने के लिए हिंदुस्तान का हर एक नागरिक खड़ा है। क्या लगता है उनके इस बयान से अब उनको सबक सिखाने की जरूरत है पाकिस्तान? बिल्कुल जरूरत है। उनको ये नहीं पता कि अगर हिंदुस्तान का एक व्यक्ति अगर ठीक से सांस ले ले तो पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। उसके बाद भी उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसी बात बोली है जिसका पूरा देश विरोध कर रहा है, पुरजोर से विरोध कर रहा है। तो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो ने जो है आपत्तिजनक टिप्पणी की, तो सैकड़ों की संख्या में यहां पर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है यहां पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। हम आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर क्या कहेंगे? जो देश विरोधी नारे हैं और जो माननीय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर उनके खिलाफ कोई भी टिप्पणी करेगा तो पूरे भारत की जनता शांत नहीं बैठेगी। यहाँ पे व्यक्तिगत भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, मैं भी अदर संगठन से हूँ, मेरा नाम सूरज पासी है, मैं सुभाष आर्मी भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, लेकिन जहाँ देश की बात पड़ेगी और हमारे प्रधानमंत्री की बात पड़ेगी हम लोग हर जगह खड़े होंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। तो जहाँ देश की बात आएगी वहाँ भारत के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। तमाम लोगों की अपनी अपनी राय हो, लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के लोग नारे लगा रहे हैं। लखनऊ से एमके न्यूज के लिए अविनाश।